जल संकट की आहट, पानी के लिए तरस रहे चाकलिया के ग्रामीण व स्कूली बच्चे। पाटी, पाटी नगर के समीप ग्राम चाकलिया के ग्रामीण व स्कूली बच्चे पीएचई विभाग की अनदेखी के कारण मार्च माह में ही पानी को लेकर परेशान है। ग्राम चाकलिया में मार्च माह में यह स्थिति है तो अप्रैल मई की हलाहल गर्मी में क्या हाल होंगे, इस बात का अंदाजा लगाना लोगों के लिए आसान होगा। इस गांव के लोग पीने के पानी के लिए सुबह से ही पानी की तलाश में गांव से कई किलोमीटर दूर बाहर ट्यूबवेल पर पानी भरने जाते हैं। वहीं ट्यूबवेल खराब होने की स्थिति में या फिर बिजली सप्लाई बंद होने की दशा में 2 किलोमीटर दूर नदी में पानी भरने के लिए जाते हैं, जबकि पीएचई विभाग द्वारा ग्राम में के जल संकट को लेकर सजग नहीं है। इस बात का रोष आम लोगों में देखा जा सकता है। चाकलिया में 2 हेडपंप है लेकिन दोनों ही हेडपंप बंद है। दोनों हेडपंप स्कूल के समीप है जहां स्कूली बच्चों को भी पानी पीने की समस्या से जूझना पड़ रहा है। छात्र आकाश ने बताया कि 1 वर्ष से हेडपंप बंद है जिसके कारण ट्यूबवेल का पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। वहीं ग्रामीण बुट सिंह ने बताया कि हेडपंप बंद हो गया है लेकिन मैकेनिक आज तक सुधारने के लिए नहीं आया जिसके कारण ट्यूबवेल का पानी पीना पड़ता है। ग्रामीण कागू ने बताया कि ट्यूबवेल का पानी पीते हैं लेकिन जब ट्यूबवेल खराब हो जाती है तो पानी पीने नदी से पानी पीने का लाना पड़ता है जो कि 2 किलोमीटर दूर पर है। हेडपंप का मैकेनिक भी आज तक सुधारने के लिए नहीं आया। मैं बेटा आपका आकाश, कौन से गांव में रहते हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? ये स्कूल जो पास में दिख रही है वहीं पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ने जाते हो तो पानी कहाँ पीने जाते हो? अच्छा, अभी ट्यूबवेल में पी रहे तो हेडपंप पास में है तो हेडपंप क्यों नहीं चल रहा है, खराब हो गया? तो इसके लिए फिर कहाँ जाते पानी पीने, कब से ऐसे जा रहे? साल भर से। गुड सिंह भैया, ये पानी क्यों नहीं आ रहा हेडपंप में? तो ये वे मैकेनिक आया कि नहीं अभी तक? अभी कहीं नहीं आया। ये हेडपंप खराब हो गया, पानी कहाँ से पीते हो? ट्यूबवेल का चाहिए। और ट्यूबवेल भी खराब हो जाते तो क्या करते? सुधारने के लिए अभी तक आया मैकेनिक? अभी है नहीं आया। दादा आपका कागू कौन से फली में रहते हैं यहाँ? अच्छा, ये हेडपंप बंद है, पानी पीने कहाँ जाते हैं? हमारे घर की ट्यूबवेल है वहाँ पे। और ट्यूबवेल अगर खराब हो गई तो क्या करते हैं? नदी जाना पड़ता। अच्छा, ये हेडपंप कब से बंद है? अभी ये 1 साल से हो रही। तो क्या हो गया, क्यों बंद है? पानी नहीं है। और नीचे पाइप वगैरह? पाइप है। तो पाइप खराब तो नहीं हो गई? वो देखे जो मैकेनिक आए। तो अभी तक मैकेनिक आया कि नहीं यहाँ देखने के लिए?